लास्ट क्लास अपना सम नंबर 14 तक हुआ था पेंशन चैप्टर का। आज के क्लास में सम नंबर 15 से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर 14 में जो फॉर्मूला लगा था वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। थोड़ा ध्यान से, ये एक्स प्लस वाई पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का, ये पूरा सी का। तो दिस विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ये ए बी सी हो गया, तो -3 ABC। सर इसका फॉर्मूला क्या है? लास्ट वाले सम में भी हम लोग ये यूज किए थे, शायद लास्ट टू लास्ट वाले सम में भी यही फॉर्मूला यूज किए थे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA। तो सर यहां पर ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है और ये पूरा सी का। तो यहां पर सर क्या करना है अपने को? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पहला ब्रैकेट में। दूसरा ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड माइनस बी इंटू सी यानी कि वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स माइनस सी इंटू ए यानी जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है सर। नाउ इसको अपने को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 2x+2y+2z इंटू ये हो गया सर x² + y² + 2xy, दिस इज y² + z² + 2yz प्लस ये वाला हो जाएगा सर z² + x² + 2zx। नाउ इन तीनों को भी मैनुअली मल्टीप्लाई करना अपने को, दिस इज -xy - y² - zx - yz। फर्स्ट वाला ये मल्टीप्लाई किए, चार टर्म आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4। नेक्स्ट वाला को करते हैं -yz - zx² - xy - zx - x² - yz - xy। थोड़ा सा लेंदी ऑर्डर में जा रहा है, अब इसमें काटापिटी साफ सफाई होगा अपना। सर ये वाला y² - and +-x² + x² - z² + z² अच्छा, इसके अंदर में यहाँ पर अपने पास -xy - xy + 2xy को कैंसिल करेगा, -zx - zx + 2zx को कैंसिल करेगा, एंड -yz - yz + 2yz को कैंसिल करेगा। जो रिमेनिंग बचेगा उसको अपने लिखते हैं, पहले तो इसमें 2 कॉमन ले लेना। फर्स्ट वाले में यहाँ बच रहा है सर x² + y² + z² - xy - yz - zx। देखिएगा सर ये फॉर्मूला वापिस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हम लोग फर्स्ट में क्या किए, यहां से यहाँ गए, अब वापिस यहां से यहाँ आ रहे हैं। मतलब कि सर यहाँ देखिए a+b+c (a²+b²+c²) - ab - bc - ca। तो सर वाई से वर्षा हो गया। फर्स्ट में हम लोग क्या किए, पहले हम लोग ये फॉर्मूला जब यूज किए तो हम लोग यहाँ से यहाँ गए, अब यही फॉर्मूला में यहाँ से वापिस यहाँ आ रहे हैं। दिस इज ट्वाइस ऑफ x³+y³+z³ - thrice of xyz, and दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि एक फॉर्मूला जो यूज किया उसको वापिस घुमाना पड़ता है फॉर एक्सपेंडिंग इट। चैप्टर का नाम भी एक्सपेंशन ही है, तो एक्सपेंशन करने के लिए अपने को वाइस वर्सा कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 16। सर इसमें भी थोड़ा फॉर्मूला का यूसेज है। कौन सा फॉर्मूला है सर? x+a (x+b)/c का एक फॉर्मूला था अपने पास, जो अपने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में एक बार शायद यूज किए हैं, नहीं भी किए हैं तो अभी हम बता देंगे आप लोग को वापिस से। x+a (x+b)/c का सर एक फॉर्मूला है अपने पास, और ये फॉर्मूला लिस्ट का एकदम लास्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 35। दिस इज इक्वल टू x³+a+b+c (x²+ab+bc+ca)(x+abc)। ये फॉर्मूला है जो हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है इन दिस सम। सर यहाँ पर अपने को प्रोडक्ट क्या दिया है? x-5 (x+3)/x+7। सर ये x-5 को थोड़ा इस तरीके से अरेंज कीजिए, x+-5, दिस इज x+3 एंड दिस इज x+7। नाउ ये पूरा ए का काम करेगा सर, ये बी का काम करेगा और ये सी का काम करेगा।
सर ये वाला पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा और ये पूरा सी का काम करेगा। मेरे को क्वेश्चन में पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन से कि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है सर? ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 5। दिस विल बी योर आंसर। सर नेक्स्ट इसमें अपने को पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सर एक्स का कोएफिशिएंट पूछा ना, यहाँ देखिए एक्स का कोएफिशिएंट ये है ना, तो अपने क्या करेंगे ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। ठीक है सर, दिस इज -15 प्लस 7 3 21 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 7 5 35। दिस इज सर 21 -50 विच इज इक्वल टू -29 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है -29। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है और डायरेक्टली अपने करेंगे, अपने को पूरा एक्सपैंड करने का जरूरत नहीं है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, इसको हमको मैन्युअली एक्सपैंड करना पड़ेगा। मैन्युअली एक्सपैंड करने के बाद जो आएगा उसी से मेरे को जो भी पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स क्यूब हो, वट एवर इट इज, अपने को वहीं से कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। ठीक है सर, मैन्युअली एक्सपैंड करते हैं। एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्सपैंड करते समय थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट तरीका यूज करेंगे। सर यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 सेम है दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दोनों में सेम है, तो व्हाट विल डू इज, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये कहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ये पूरा ए का काम करेगा भाई। दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपका इच्छा हो तो आप इसको ए लेके अज्यूम करके भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी लगेगा। ए का वैल्यू ले लेते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस 3, सो दिस इज ए प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 2x का होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2 2 4 ax प्लस 2 2 4 x² प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 ax प्लस 2 2 4 x². तो सर ये देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब अपने पास है सर 2 ठो a² 4 x² प्लस 4 x² 8 x². सर 2 को कॉमन ले सकते हैं अपने, और नहीं इच्छा है तो 2 को आप साथ में भी पूरा रख सकते हैं, इट इज ऑफ नो प्रॉब्लम टू अस। सर ए स्क्वायर प्लस 4 x², नाउ ए का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा। सर ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3, मैनुअली एक्सपैंड कीजिए। ठीक है सर, मैनुअली एक्सपैंड करते हैं, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 4 x². सर ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस 10 x² प्लस 9। ये 2 को अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोएफिशिएंट वगैरह पूछा है ना, तो आंसर गड़बड़ ना हो जाए। नाउ दिस इज द फाइनल एक्सपेंडेड वैल्यू, पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कर्सर पे ध्यान दो, कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए सर, एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है सर, प्लस 20 है, तो विल टेक इट विथ साइन प्लस 20। यदि -20 होता तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में -20 लिखना पड़ता। मतलब सर इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा डायरेक्टली नहीं लगा, अपने को एक्सपैंड करके मैन्युअली सॉल्व करके जो फाइनल वैल्यू आएगा उसमें से ही इसका कोएफिशिएंट को बताना है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 18। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अपने को ये प्रूफ करना है। सर ये तो फॉर्मूला का काम करता है, हमारे फॉर्मूला लिस्ट में ये फॉर्मूला के तरीके से दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन दिस विल बी अप्लाइड। यस ये फॉर्मूला ही है, इसको हम लोग डेराइव कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, यानी ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा सर माइनस सी, क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी क्यूब। नाउ यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या है सर, माइनस सी लिए है ना, तो यहां पर ए प्लस बी की जगह हम लोग माइनस सी लिख देते हैं। ठीक है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ab c इक्वल टू माइनस सी क्यूब, सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ab c एंड
यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, हेंस प्रूफ। तो ये फॉर्मूला हम लोग डेराइव किए कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी आ जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस 19। एक्स का वैल्यू दिया है 2y+6 और अपने को ये शो करना है x³ - 8y³। ठीक है सर, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 2y-6, यानी कि x प्लस ऑफ नहीं पहले माइनस ही लिखते हैं, इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और एल्स वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग, फॉर्मूला भी अपने यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसमें फॉर्मूला भी अपने डेराइव भी कर सकते हैं। एक काम कीजिए, x-2y = -6, लास्ट समय जैसे किए थे क्यूबिंग बोथ साइड्स, a³ - b³ - a³ - b³ - 3 × a × b, a-b = -216। सर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x-2y का वैल्यू -6 था ना, तो ये x³ - 8y³ - 3 × 6xy, x-2y का वैल्यू -6 = -216। सर x³ - 8y³, एक सेकेंड, यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये प्लस है क्वेश्चन में, दिस इज +216, तो अपने को प्लस यदि है तो लिखने का खैर जरूरत नहीं है, माइनस बाई मिस्टेक लिखा जा रहा था बार बार, इट विल बी प्लस, माइनस माइनस प्लस 36xy, यहाँ माइनस ये भी मिस्टेक लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 है खाली, ये दिस वैल्यू इज 6, थोड़ा सा एरर हो गया, ये 6 है, तो -36xy। देखिए जब भी एरर करोगे ना, तुझे रिक्वायर्ड टू प्रूव उससे मैच नहीं करेगा, तो मेरा अचानक से नजर गया कि भाई रिक्वायर्ड टू प्रूव से साइन का मिसमैच हो रहा है, तो रेक्टिफाई हो गया, x³ - 8y³ - 36xy - 216 = 0, हेंस प्रूफ। तो सर हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ फॉर्मूला नहीं यूज किया, हम लोग जो फॉर्मूला का डेरिवेशन था उसी कंसेप्ट को यूज किया, आप चाहें तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सर फॉर्मूला कैसे यूज होगा, देखिए उसमें बहुत सिंपल है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन x-2y - 6 = 0 है, यानी ये हो जाएगा x+(-2y+-6) = 0। ना ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा, और ये पूरा सी का काम करेगा। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वॉट, ये ए प्लस बी प्लस सी का काम कर रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज कि a³ + b³ + c³ = 3abc होता है, तो यहां पर हम लोग ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर दो, बी की जगह बी का वैल्यू पुट कर दो, सी की जगह सी का वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 3 × a × b × c कर दीजिए। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा x³ - 8y³ - 216 = यहाँ पर कितना आ रहा है सर, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36 - 36xy, और जब ये इधर आ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, x³ - 8y³ - +36xy हो रहा है क्या, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर तो इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब दिस विल बी व्हाट, x³ - 8y³ - 36xy - 216 = 0। तो सर यदि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, आप चाहें तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका इच्छा था फॉर्मूला जैसे डेराइव किए तो वो स्टेप्स को भी पकड़ सकते हैं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस सम नंबर 20। सर सम नंबर 20 में फॉर्मूला देखिए, ऊपर में अपने ऑलरेडी ये फॉर्मूला बहुत बार यूज किए हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू a+b+c² + b² + c² - ab - bc - ca, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग काफी बार यूज किए हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो स्ट्रक्चर है ना वो इस स्ट्रक्चर को मैच कर रहा है, कर्सर पे ध्यान दीजिए, जो डिनोमिनेटर का स्ट्रक्चर है वो इसको मैच कर रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा एक स्टेप मेहनत करना होगा। दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। नाउ इसको ऐसे लिखते हैं, -a² - b² - c² + ab + bc + ca, माइनस पूरे में से कॉमन लेते हैं सर, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है ना, तो ये हो गया सर -a² + b² + c² - ab - bc - ca।
ना, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा सर, अपना हो रहा है माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो सर माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है सर, सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, खाली पुट कर दीजिए। 1 माइनस 2 माइनस 3, दिस इज माइनस ऑफ माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 21। यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सर ऊपर में 0.75 का होल क्यूब है, प्लस 0.25 का भी होल क्यूब है, नीचे में 0.75 का होल स्क्वायर, माइनस 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर। सर ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, सर इससे क्या हेल्प होगा, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हुआ है, इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.75 प्लस 0.25 विच इज इक्वल टू 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सम नंबर 22। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है 0, अपने को वैल्यू निकालना है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। एक छोटा सा चीज पे ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू जो 0 दिया है, यहाँ पर बी सी है, तो बी सी का वैल्यू क्या होगा सर, माइनस ऑफ ए बी प्लस सी ए, यहाँ पर सी ए दिया हुआ, तो इसी से जब हम लोग सी ए का वैल्यू निकालेंगे, माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी, सर यहाँ ए बी लिखा हुआ है तो ए बी का भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, ए बी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ ए बी का वैल्यू सर माइनस ऑफ बी सी प्लस सी ए। एक एक करके यहाँ पुट करते हैं, बी सी की जगह हम लोग पुट करेंगे सर, कर्सर पे ध्यान दीजिए, बी सी की जगह पुट करेंगे माइनस ऑफ दिस वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस सी ए, ठीक है सर, 1 बाई बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी ए बी प्लस बी सी, वैसे ही यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए। सर इसमें ए कॉमन है तो यहाँ पर अंदर में आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, सर इसमें बी कॉमन है इसमें भी बच रहा है ए प्लस बी प्लस सी, सर इसमें सी कॉमन है इसमें भी बच रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है सर, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, तो सर यहाँ पर आएगा अपने पास बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 0 है, तो न्यूमरेटर में 0 बाई एनीथिंग, 0 बाई एनीथिंग मैथ में क्या होता है सर, 0 बाई एनीथिंग इज 0, 0 बाई एनीथिंग सर 0 होता है। तो सर सिंपल सा लॉजिक है, सम के ट्रिक और टेक्निक को पकड़िए कि अपने सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल एकदम सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से सॉल्व हो जा रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, सर न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, डिनोमिनेटर में भी सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, लेकिन थोड़ा ध्यान से अपने को यूज करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है सर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर स्क्वायर्स के ऊपर में क्यूब्स है और नीचे में नॉर्मल है, सर यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज की ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू होता है 3ABC। ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में भी लगेगा डिनोमिनेटर में भी लगेगा, देखिए ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है, और ये पूरा सी का काम कर रहा है, तो ये वाला अप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, देखो ए प्लस बी प्लस सी करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरा ए है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है सर, बाई डिनोमिनेटर में भी देखिए ए बी सी इंडिविजुअली ऐड करने से ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए इंटू बी इंटू सी।
थ्री और थ्री कैंसिल हो गया, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये तीनों से कैंसिल, दिस इज ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस सम नंबर 24। सर एक रिलेशनशिप दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो एक बात बताइए यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? सर बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए, सी प्लस ए का वैल्यू क्या होगा सर? सी प्लस ए का वैल्यू माइनस बी, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा सर? ए प्लस बी का वैल्यू माइनस सी। सर यहां पर अपने पास जो चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफाई करना, उसको लिखते हैं बी प्लस सी का स्क्वायर बाई बी सी, सी प्लस ए का स्क्वायर बाई सी ए, ए प्लस बी का स्क्वायर बाई ए बी। नाउ बी प्लस सी का वैल्यू है सर माइनस ए, सी प्लस ए का वैल्यू है माइनस बी, ए प्लस बी का वैल्यू है माइनस सी। ठीक है सर, दिस इज ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। नाउ इसके अंदर में ए बी सी अपने एलसीएम लेते हैं, सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए अभी एक फॉर्मूला जो बार बार यूज हो रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कर्सर पे ध्यान दो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज वॉट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हो जाएगा सर थ्री ए बी सी, और डिनोमिनेटर में ए बी सी ये कैंसिल हो गया, सो द वैल्यू इज थ्री एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस क्लास असाइनमेंट, शायद बस अब क्लोजिंग में आ जाएगा, दो चार सम ही और होगा। अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और ये फॉर्मूला अपने को पता भी है, 10.3 का होल स्क्वायर में। तो सर 10.3 का होल स्क्वायर को अपने पहले लिखेंगे 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ये पूरा ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हटेगा तो सर बाई 10 ओके, दोनों कैंसिल, दिस इज 100 प्लस 6 प्लस 0.09, दिस इज 106.09 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सर छोटा छोटा सम से मूविंग टू द नेक्स्ट। सर सुटेबल आइडेंटिटी बोला अपने मन से यूज करो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 98 का होल क्यूब। 98 का मतलब हो जाएगा सर 100 माइनस 2। अब कुछ कुछ बच्चा लोग पूछता है, बोला सर आपको सपना आ रहा है कि कोरियर से चिट्ठी आ रहा है कि ऐसे ही होगा? अरे भाई करते करते हैबिट हो जाएगा, समझ में आने लग जाएगा, यहाँ पे ये करना और यहाँ पे ये करना है। अब इसके अंदर देखो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी ए माइनस बी। सर दिस इज 100, फिर दो जीरो, फिर दो जीरो, टू टू जा फोर, टू जा एट, माइनस ये हो जाएगा 600 इंटू। अब दो ऑप्शन है अपने पास देखो, या तो अपने 600 इंटू इसको 98 लिख दें, या फिर एक ऑप्शन और है 600 इंटू 100 माइनस 2 रहने दें। नाउ दिस इज 100000 माइनस 8 माइनस 600 को मैनुअली दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये 60,000 प्लस 1200, ठीक है ना? तो सर इसको अपने एडलेस करेंगे, दैट विल वर्क आउट टू 94,1192 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम सम नंबर 27 पार्ट 1। वापिस यहाँ पर बोला यूजिंग एक्चुअल विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम लोग को वही फॉर्मूला जो बार बार यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला सर? अपने पास जो फॉर्मूला है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वाला फॉर्मूला, वही यहाँ पर अपने को अप्लाई करना है। सर फॉर्मूला क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वॉट? इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। तो सर इंडिविजुअली इनको ऐड करने से -23 प्लस 15 प्लस 8 करने से जीरो आता है, मतलब ये होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, सो दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी, थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी, थ्री ए बी सी -8280 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस पार्ट 2।
सर यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, इंडिविजुअली देख लो, ऐड करने से जीरो आ रहा होगा, इंडिविजुअली ऐड करने से जीरो आएगा, ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का और ये सी का, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अरेंज करना होगा सर, क्या अरेंज करना होगा, ये जो बाहर में माइनस है ना, इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। नाउ ये पूरा ए का काम करेगा, ये बी का और ये सी का, ए प्लस बी प्लस सी करने से जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3 × a × b × c, ठीक है सर। ये 3 इससे कैंसिल हो गया, दिस इज -7/12, 4 ज़ा 48, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अपना क्लास असाइनमेंट जो टाइप 1 है वो यहीं तक है। देखिए नेक्स्ट अपना होम असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो होम असाइनमेंट विल बी योर होमवर्क। क्लास असाइनमेंट का सारा सम हम लोग डिस्कस कर लिया, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।